ये देखिए आपके पास इस तरह की मशीन आएगी, एक हैंडल आएगा साथ में इस तरह का, एक पूरी मशीन आएगी। अपना यहाँ से ये जो बोल्ट लग रहा है इसको नाप का देख लीजिए एक बार कि ये आपको कितने बाई कितने का रिंग बनाना है। जैसे कि देखिए अभी इस बोल्ट से यहाँ तक का ये 6 इंची आ रहा है, ये 6 इंची दिख रहा है, तो मतलब 6x6 का रिंग बनेगा। अगर आपको 7 का करना है तो ये बोल्ट लूज कीजिए और इसको पीछे को खिंचका लीजिए ऐसे, जैसे पीछे को खिंचकाया है। तो ये देखिए अब देखिए ये 7 पे आ गया। अगर मान लीजिए आपको ये दिक्कत है आपको कि 7 से नहीं आता है या आपको और ज़्यादा करना है, तो ये चारों नट बोल्ट खोल लीजिए इसके, और इस बोल्ट को आप कहीं भी किसी भी खाने में आगे लगा सकते हैं। खोलिए इन चारों बोल्टों को, इसके पीछे से पलट के देखेंगे आप तो इस बोल्ट को खोलकर आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें लगा लीजिए, अगले में लगा लीजिए, किसी भी बोल्ट में लगा सकते हैं आप इसको। लगा खोल दिया ना, ये देखिए जैसा बोल्ट खोल लिया था, इस खोलकर अगले में लगा सकते हैं या उस अगले में या उस अगले में। ये दो बोल्ट हमने दिए हुए हैं इसमें, तो अब आपका क्या है कि इसको इसी में लगा दें 7x7 के लिए। अब देखिए जैसे हमने इसमें टाइट कर दिया है बोल्ट, ये उसके बाद क्या है कि आपको यहीं रखना है इसको और इसको बोल्टों को दोबारा वहीं लगा देना है। ये चारों बोल्ट अपना उसी जगह टाइट कर दिया। उसके बाद हमने इसको नाप कर देखा तो ये हमने इसको आगे पीछे कर 7 पर लिया है और वहीं बोल्टों को पूरी तरह टाइट कर दिया। उसके बाद आपको एक सरिया लेना है और इसके अंदर डालकर देखना है ऐसे, और ये इससे टच होना चाहिए इससे सरिया बिल्कुल। अगर टच नहीं है तो इस बोल्ट को लूज कर इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इस पत्ती को आगे पीछे ऐसे इससे मिलाकर और अपना वहीं टाइट कर देना है फिर इसको। उसके बाद आपको ये हैंडल, ये बैरिंग के ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ है बड़ा वाला बोल्ट, इसको पूरी तरह टाइट कर देना है ताकि ये बैरिंग लूज ना हो अंदर से। उसके बाद हैंडल में दो बोल्ट लगे हुए आएंगे, ये इनके दोनों के नट को खोल लेना है। दोनों के नट को खोलने के बाद और इसी जगह यहाँ पर इन दोनों नट को डालने के बाद अंदर डाल दिया और नीचे से इसके नट को चढ़ा दिया बोल्ट को डालने के बाद। तो देखिए नीचे आ गए हैं, ये नीचे से इनको टाइट कर दिया। उसके बाद आपको कितना मोड़ना है उसकी सेटिंग इससे होगी, डिग्री की सेटिंग। इन दोनों नट को लूज कर लेना है और इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज़ इससे टकराएगी। देखिए जब हैंडल आएगा ये तो ये इससे टकराएगा यहाँ पर, ये देखिए ये टकराया। तो ये कितना मुड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सही पूरा नहीं मुड़ रहा है तो इसको पीछे कर लीजिए, कम करना है तो आगे कर लीजिए। अगर फिर भी आपकी बात नहीं बन पा रही है इससे तो इस पत्ती को पलट के लगा दीजिए। इन दोनों नट को खोल लेना है और इसको थोड़ा उल्टी तरफ से लगा देना है पलट कर, तो ये और दूर चला जाएगा अगर आपको ज़्यादा मोड़ना है तो। इसमें दो बोल्ट दिए हुए हैं, अगर दोनों बोल्ट की सेटिंग आपकी नहीं बैठती है तो एक बोल्ट से भी ये रुक जाएगा। उसके बाद देखिए मशीन में ये नीचे होल दिए हुए हैं, दो होल इधर हैं और दो होल पीछे की साइड में हैं। इनको किसी भी स्टैंड पर लगा कर आप टाइट कर लीजिए कील ठोक कर या उसे। उसके बाद सरिया लगाइए, आगे निकालिए, 1 इंची अंदाजे से बेंड करना होगा आपको, और हैंडल लीजिए और खींच दीजिए इसको, इसको बेंड कर देगा। उसके बाद इसको घुमाना है और आपको पलट के लगाना है उस बोल्ट में फंसा कर ऐसे। और ये साइज हमने पहले डिसाइड कर ही लिया था कि 7 इंची का है, अब ये यहाँ तक 7 इंची आएगा पूरा नापने पर। उसके बाद फिर तीसरा घुमाइए और तीसरा फिर ऐसे फंसा दीजिए, ऐसे घुमा घुमा कर आपको ये पूरा रिंग आपको मिल जाएगा। अब ये सरिया छोटा है तो इसलिए पूरा रिंग नहीं बन पाया, पूरा राउंड कर देता अगर ये पूरा होता तो। ऐसा नापेंगे तो देखिए पूरा 7 इंची आएगा इधर से।